हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स गोल्डन सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो डॉलर इंडेक्स 100.80 के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 100.70 डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 100.90 से 101 का जो रेंज है, ये प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस 100.70 और 100.90 के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसी हिसाब से दोस्तों, डॉलर इंडेक्स में साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है और गोल्ड और सिल्वर में भी साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 100.70 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में डाउनफॉल दिख सकता है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में पॉजिटिविटी दिख सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 100.90 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में अपमूव दिख सकता है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन दिख सकता है। उसी हिसाब से दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम लोग जब भी गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, तब जो है डॉलर इंडेक्स को ट्रेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम लोग फॉरेक्स गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फॉरेक्स सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, फॉरेक्स गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो गोल्ड 2511 के पास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस अभी टाइनी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड में भी साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। और दोस्तों, आप लोगों में से कुछ ट्रेडर्स ने डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का रिलेशन समझाने के लिए बोला था, तो डॉलर इंडेक्स का गोल्ड और सिल्वर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, जब भी डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिविटी दिखता है, तब जो है गोल्ड और सिल्वर में वीकनेस दिखता है। और दोस्तों, जब भी डॉलर इंडेक्स में वीकनेस दिखता है, तब जो है गोल्ड और सिल्वर में पॉजिटिविटी दिखता है। और दोस्तों, ऐसा 70-80% टाइम होता है। इसलिए दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडिंग के लिए डॉलर इंडेक्स को ट्रेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, फॉरेक्स गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2500 से 2504 का जो रेंज है, यह प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और दोस्तों, फॉरेक्स गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2515 से 2520 का जो रेंज है, यह प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। हिसाब से दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस 2504 और 2515 के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2515 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 15 मिनट्स के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, 2515 के ऊपर 2520 और 2520 के ऊपर 2525 से 2530 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2530 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 2550 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट 1 मंथ से गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और उसी हिसाब से दोस्तों, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2504 का
इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है, नीचे 15 मिनट्स के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 2504 के नीचे 2500 और 2500 के नीचे 2490 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2490 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 2480 और 2480 के नीचे 2460 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग फॉरेक्स सिल्वर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 29.97 के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर टाइनी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 30.05 से 30.10 का जो रेंज है ये प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। फॉरेक्स सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 29.80 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। इसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 30.05 से 30.10 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 15 मिनट्स के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 30.10 के ऊपर 30.20 और 30.20 के ऊपर 30.50 से $31 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर प्राइस 29.90 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है, इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे या 15 मिनट्स के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 29.90 के नीचे 29.80 और 29.80 के नीचे 29.50 और $29 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।